हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मुझे पता चला है कि सौरभ जोशी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर भी हैं, तो उनका जो ब्लॉग है वो भारत में प्रेजेंट करता है और भारत में नंबर वन ब्लॉगर बन गए हैं मिस्टर सौरभ जोशी। तो गाइस, कुछ है को भी उनसे तभी तो वो बना है नंबर वन। आपको मेहनत करना होगा। जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी जो ब्लॉगर हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। वर्क हार्ड करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेड। तो आपको वो नहीं देखना कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बस आप कंटिन्यू मेहनत करो तो आप सक्सेस हो सकते हो। यही होता है गाइस कि हर एक कोई मेहनत नहीं कर पाता। सही से मेहनत करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। हमें दूसरों की नहीं देखना है। आज सौरभ जोशी इतना मेहनत किया तब जाके वो इतना बड़ा ब्लॉगर बना। अभी भी कम से कम मुझे लगता है उसका 6 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है कुछ ही दिन में। तो गाइस आप समझ सकते हैं, यही है। चलिए गाइस, मैं आपको कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ मेरे आसपास। ये रहा मेरा घर तरफ का नज़ारा। ये पानी चलता है, कल खुलता है इस वजह से इतना, कल चलता है इस वजह से इतना, ये सब दोनों साइड भींगा हुआ। जब देख लो ये रास्ता कितना डेंजर, इसके नीचे जाना मतलब खतरे से खाली है। गाइस शाम का वक्त हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम रह सकती है इस वीडियो में, देख लीजिए। आज मैं ग्राउंड आ गया शाम के वक्त, मैं पर डे आता हूँ। इतने सारा कीचड़ हो गया कि यहाँ पे रोनाल्डो मेसी सब गिर रहे हैं। गाइज मैं, चलिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि अभी मुझे को पता चला है कि अभी तक इंडिया में टोटल मैं वैक्सीन के बारे में कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। जी अभी तो फिलहाल दो ही वैक्सीन है इंडिया की, खुद की अपनी कंपनी है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अभी तक पूरा इंडिया वालों को, जैसे कि 135 करोड़ की आबादी है, उसमें से 32 करोड़ लोगों को, सब है उसमें, आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब है उसमें, तो 32 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें आप भी बोलोगे भाई ये क्या बता रहे हो। सही गाइस, आपने सही बताया। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। गाइस मुझे पता चला है कि जैसे बिहार के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कुछ कुछ शहरों में वहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि जमुई हो गया, सासाराम हो गया, और पटना के कुछ क्षेत्र हो गए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैक्सीन दे रहे हैं ना, तो बहुत लोग है, मतलब जो एजुकेटेड पर्सन नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वैक्सीन ले लेना चाहते हैं। वाई क्यों भाई, वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? तो जैसे अधिकारी भी बहुत वहाँ गए वैक्सीन लेने के लिए, अधिकारी फोर्स लेके गए, तो उनको लेडीज़ लोग जो महिलाएँ हैं लाठी डंडा लेके भगा रहा है। क्यों भगा रहा है भाई, नहीं वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे। क्यों मर जाओगे? तो वो सोच रहा है कि जैसे मेरा पति बीमार है, अगर उसको वैक्सीन लग गया तो वो बीमार हो जाएगा, वो मर जाएगा। इस वजह से ये भी सोच रहा है कि हम भी वैक्सीन अगर ले लिए हम भी मर जाएंगे, तो उनको डाउट बना है, ये डाउट उनको भगाना होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों ही सेफ है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मुझे तो लगता है आने वाला समय में पूरा इंडिया में और भी सारे वैक्सीन हैं। एक अभी वैक्सीन जो है स्पुतनिक फाइव, वो तो लॉन्च हो ही गया इंडिया में, मतलब उन रूस की कंपनी बनाती है वो, मतलब वो भी अभी सुई दिया जा रहा है, वो वैक्सीन जो लोगों को लग रहा है अभी अमेरिका की। अभी भारत सरकार ने अमेरिका की एक वैक्सीन बनाती है कंपनी मॉडर्ना, उससे भी जो है ना भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है आयात करने का। तो वैक्सीन जो है अब इंडिया वालों को वो वैक्सीन भी लगेगा। लोगों का अभी तक तो पता था कि भाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो नाम जानते थे, अदरवाइज़ उनको पता नहीं है कि अब नया नया वैक्सीन भी आने लगा है। और भारत का और दो वैक्सीन है जो आने वाला है, आप लोगों को जल्द वो नाम पता चल जाएगा। एक कंपनी है फाइज़र, क्योंकि शायद ये ब्रिटेन ने बनाया है ये वैक्सीन को, और इसको जो है ना अभी तक इंडिया में बात चल रहा है, दिया नहीं गया है। तब तक फाइज़र इंडिया में आ जाएगा। देखिए मॉडर्ना तो हो ही गया है, अब तो सब मॉडर्ना भी लगेगा। अब भी वैक्सीन लेने जाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा भाई आपने कौन सा वैक्सीन ली, तो आदमी लोग बोलेगा
भाई मैंने मॉडर्ना लिया है, कोविशील्ड को वैक्सीन पेशेंट बोलता है उसको, अब वो बोलेगा मॉडर्ना वैक्सीन लिया है। नया नाम आपको सुनने को मिलेंगे स्पुतनिक 5, अजीब सा नाम लगता है लेकिन लोग ले रहे हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। खैर गाइस मुझे तो ये बताना था आप लोगों को कि वैक्सीन अगर आप ले रहे हैं तो डरिए नहीं, वैक्सीन बहुत ही सेफ है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है लिटरली आपको वैक्सीन ले ही लेना चाहिए, जब जो अभी नहीं लिए हैं वो अभी भी लोग हैं जो डर रहे हैं घर में छुप के बैठे हुए हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, चाहे जो हो जाए मेरे गांव वाले भी नहीं लेते तो मैं भी नहीं लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वैक्सीन ले ही लेना चाहिए ताकि आप सेफ रहेंगे। कोरोना वैक्सीन, कोरोना वायरस तो दिन ब दिन बहुत ताकतवर होता जा रहा है, इस वजह से वैक्सीन आपको ले लेना चाहिए। गाइस अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।